सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज, जैसा कि हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 12th को लेकर के, कभी रिजल्ट कभी कुछ, लगातार सीबीएसई में कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं। वो आप लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि अगर आप सीबीएसई के वेबसाइट में घुसेंगे तो आपको कई तरह के सर्कुलर्स मौजूद दिखेंगे, जो कि ये चीज़ को शो करता है कि इस साल बहुत ही यूनिक सिचुएशन है और उसको निपटने के लिए सीबीएसई लगातार ही कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन गाइज, इस वक्त मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं और खुशखबरी भी है आप सब लोगों के लिए, चाहे फिर आप वो क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा कह रहा हूं कि यार, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हम इधर कोई वीडियो डालें और सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड वन मोर थिंग, कि और एक चीज जो मैंने हमेशा कहा है कि भाई, इस वक्त पैंडेमिक सिचुएशन में हम सही इंफॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचाएं, सब लोगों तक पहुंचाएं, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, यहां पे एक बड़ा अपडेट निकल करके आया है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दिया गया है, जिसमें कि ये मांग की गई है कि भाई, जो एग्जाम फीस जो क्लास 10 12th के स्टूडेंट से लिया गया है, वो सीबीएसई को उसे वापस करना चाहिए। क्यों वापस करना चाहिए? क्योंकि भाई, जो एग्जाम्स हो ही नहीं, तो नेचुरल सी बात है वो पैसा पूरा का पूरा एक तरह से यूज हुआ ही नहीं। अगर कुछ हुआ भी, मान लीजिए अभी कुछ हो भी रहा है, तो बहुत नॉमिनल है। आम तौर पे सीबीएसई ये एग्जाम फीस लेती जो है वो किस लिए लेती है? वो लेती है इस चीज पे कि भाई, जो एग्जामिनर्स हैं, ठीक है, या एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जो खर्चा होता है, या इन्विजिलेटर्स होते हैं, या कॉपी चेकिंग, ये सब प्रोसेस में जो खर्चा होता है उसको कंपनसेट करने के लिए आप कह सकते हो कि सीबीएसई ये एग्जाम फीस लेती है तमाम स्टूडेंट से, ठीक है। और इसकी बड़ी, इसका अगर मैं बात करूं गाइस, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये अमाउंट छोटा नहीं कहा जा सकता। अगर आप अमाउंट को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे गाइस, ये अमाउंट बहुत बड़ा है, ठीक है, करोड़ों मतलब क्रॉस कर जाएंगे, भगवान जाने कितने करोड़ जाएंगे, मतलब अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो ये मामला था, अब यहाँ पे क्या हो गया है कि कल एक बहुत ही बड़ा अपडेट आके निकला दिल्ली हाई कोर्ट से, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था, और उस पिटीशन में जिन्होंने फाइल किया था उन्होंने ये डिमांड किया था कि भाई, एग्ज़ाम फीस जो है वो क्योंकि खर्चा हो ही नहीं रहा है, तो एग्ज़ाम फीस वापस किया जाए, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर वो पैसा इन गार्जियंस को वापस होता है, स्टूडेंट्स को वापस होता है, तो वो फैमिली को कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा, और ये सही भी होगा, ठीक है। तो कल दिल्ली हाई कोर्ट में जो बेंच जो सुनवाई कर रही थी, उसमें बहुत ही बड़ा इसमें डिसीजन आया है निकल करके, और ये बड़ी खुशखबरी है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स अन अकेडमिक कॉम्बैट इज वंस अगेन बैक ऑन एवरी संडेज at 11 AM। तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में, और जीतिए मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ रुपीज मोर देन 4 crores। दिस कॉन्टेस्ट इज पैक्ड विद रियल टाइम rankings, बी रेडी टू फेस चैलेंजिंग questions। सबसे खास बात ये कि इसमें आपको मौका मिलेगा फ्री Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन जीतने का। इस Unacademy कॉन्टेस्ट के दौरान ना सिर्फ आप रिवाइज करेंगे, बल्कि आप करेंगे प्रैक्टिस भी, साथ ही जीतेंगे Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन भी। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल योरसेल्फ नाउ। For more details, go to the link in description. यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई, सीबीएसई को 8 सप्ताह के अंदर अंदर, 8 weeks, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं लगभग 2 महीना, 2 महीना के अंदर अंदर में इस पे डिसीजन लेने के लिए कहा है, और ये कहा है कि भाई, किसी भी तरीके से जो ये पेटिशनर हैं, जो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाखों करोड़ों क्लास 10 12th के गार्जियंस को या स्टूडेंट्स को, तो इन सभी को फीस जो है वो वापस की जाए। अब वो पूर्ण रूप से की जाएगी, आंशिक रूप से की जाएगा, वो सीबीएसई को डिसीजन लेना है, और सीबीएसई को ये बताना है कि भाई, आप बताइए यहाँ पे कि आप क्या कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। कोर्ट ने भी इस बात को फील किया कि जो पेटिशनर बात रख रहे हैं, ठीक है,
तो वो उनका बात जेन्युइन है, तो इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था उनको ये परमिशन भी दिया कि वो एक और संशोधित याचिका जो है वो इसके ऊपर में डाल सकते हैं एग्जाम फीस रिफंड को लेकर के। सो गाइज इट्स अ ग्रेट न्यूज़। वैसे मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और एक बता दूँ कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई कर रहे थे, जो बेंच सुनवाई कर रही थी, उसमें से एक जज जो हैं जस्टिस जलान, उनका जो बेटा है वो भी क्लास 12th का इस बार एग्ज़ाम लिख रहा है। तो उन्होंने खुद इस बात को मेंशन किया कोर्ट में कि नेचुरल है कि इसमें जो फैसला लिया जा रहा है उससे उनको भी पेरेंट के रूप में उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए जस्टिस जलान ने खुद रिक्वेस्ट किया कि अगर ये चाहा जाए, अगर लोग चाहेंगे, मतलब जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो मामले की सुनवाई से जुड़े हुए हैं, अगर वो चाहें तो ये मामला जो है वो किसी और बेंच को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसका कि सीबीएसई पेटिशनर और जितने भी लोग थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जजमेंट पे पूरा का पूरा भरोसा है, इसलिए कोई इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो गाइज यहां पे मतलब आपका एग्जाम फीस जो है वो रिफंड हो सकता है। इट्स अ ग्रेट न्यूज। ठीक है, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी गई है, तो कहीं से भी अगर कुछ बेनिफिट होता है तो इट्स अ ग्रेट थिंग। और अगर सीबीएसई पूरा ना सही, अगर कुछ पोर्शन काट भी ले, जैसा कि सीबीएसई ने कोर्ट में कहा भी कि भाई वो खर्चा जो है वो सारा यहीं से निकालती है एग्जाम फीस से लेकर के ही, तो अगर कुछ पैसा काट के भी अगर लमसम एक बड़ा अमाउंट वापस किया जाता है गार्जियन को, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइज लगातार हम आपके लिए अपडेट्स लेकर के आ रहे हैं, ना सिर्फ सीबीएसई बल्कि क्लास 10, 12th, चाहे वो कोई भी बोर्ड्स हो। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड यस, जैसा मैंने कहा था, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन अगर हम सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाएं तो ये एक अच्छी बात होगी। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।